मेरे परिवारजनों, जयपुर के जादूगर और दिल्ली के बाजीगर, ये कांग्रेस के दो खेमे दोनों ही झूठ बोलने में उस्ताद है। आप याद कीजिए, कांग्रेस ने 5 साल पहले 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था। 5 साल हो गए, इस झूठे वादे के चक्कर में हजारों किसानों की जमीन नीलाम हो गई। यही कांग्रेस ने नकली बीज के माफिया को भी बढ़ावा दिया, इससे भी हजारों किसानों की फसल बर्बाद हुई, वो कर्ज के जाल में फंस गए। कांग्रेस ने कहा था कि हर जिले में किसान भवन बनाएंगे। किसान भवन तो क्या बनेंगे, कांग्रेस के नेताओं के बड़े बड़े बंगले जरूर बन गए। कांग्रेस किसानों से विश्वासघात ही कर सकती है, जबकि किसानों का कल्याण सिर्फ और सिर्फ भाजपा कर सकती है, और ये भाजपा की प्राथमिकता है। इसलिए राजस्थान भाजपा ने संकल्प लिया है कि पीएम किसान सम्मान निधि को डबल किया जाएगा। यानी भाजपा सरकार हर किसान के बैंक खाते में 12,000 रुपया जमे कराएगी। भाजपा सरकार यहां गेहूं किसानों को एमएसपी पर बहुत बड़ा बोनस देगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आपके इसी क्षेत्र से होकर गुजर रहे हैं, इसका भी बड़ा लाभ इस भूभाग के किसानों और व्यापारियों को मिलेगा।